नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड लेने हैं प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का सिनेरियो क्या रह सकता है सो so, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी पे बाय था एंड बैंक निफ्टी पे बाय था एंड आई हैव टोल्ड यू कि मैंने अपनी पोजिशन ले रखी थी एंड जो गैप अप हुआ उसके बाद जो एक अच्छी मूवमेंट आई आई हेव एग्जिट माई पोजिशन एंड अब मैं होल्ड नहीं कर रहा सो so, आज अच्छा मनी अर्न करा गया है उसके हिसाब से भी सो so, आप देखते हैं कि कल क्या ट्रेड रह सकता है एंड किस तरीके से करना है ओके okay? मैं सोच रहा था अराउंड 315 जब मुझे एक बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट दिखा कि मैं बाय कर लूं बट uh, देखिए अपने प्रीवियस स्विंग हाई को या लाइफ टाइम हाई को उसने ब्रेक करा है सो चांसेस आर हाई कि यह एक दो गैप अप्स दिखने को मिल सकते हैं बट इवेंचुअली फिर वो नीचे आएगा ठीक है अब उसे कूल cool ऑफ होना है थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा दोबारा ऊपर बढ़ चुके हैं सो so, किस तरीके से काम करना है आई एम टेलिंग यू ओके सबसे पहला स्टॉक की बात कर लेते हैं विच इज एम जी एल एम जी एल पे बाय करने की सलाह दी जा रही है आप लोगों को आप देख सकते हैं कि ये जो दो लाइंस दिख रही हैं फर्स्ट लाइन दिस एंड सेकंड लाइन दिस ये एक सप्लाई जोन है ठीक है इस सप्लाई जोन में मल्टीपल बार जब भी शेयर आता है वहां पर हम लोग एक फॉल देख लेते हैं ठीक है सेकेंड टाइम इधर आया एक शार्प फॉल हम लोगों ने देखी एंड थर्ड टाइम इधर फोर्थ टाइम इधर नाउ ये फिफ्थ टाइम आ रहा है सो so, बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कोई भी रेजिस्टेंस को अगर पाँच बार छः बार वो छूता है टेस्ट करता है तो इवेंचुअली वो रेजिस्टेंस बिकम सब वीक एंड इम्पॉर्टेंट ओके इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि अगर वो उसे ब्रेक करेगा तो चांसेस आर हाई कि बहुत अच्छी रैली आ सकती है और वीक क्यों हो जाता है कि जब एक ही चीज़ को हम लगातार मारते रहेंगे तो वो चीज़ वीक हो जाती है और वो जल्दी से टूट जाती है तो यही मल्टीपल बार इधर आ चुका है तो ये वीक हो गया अगर इसमें एक अच्छी सी अपमूव आई तो यहाँ पर बाइंग अच्छी आएगी और यहाँ पर बायर्स भी इंक्रीज हो सकते हैं ठीक है प्लस ये एक आप देख सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न भी है ये देख सकते हैं ये एक शोल्डर है ये हेड है एंड ये एक शोल्डर है इसका ब्रेकआउट आएगा तो एक बाइंग आ सकती है डेफिनेटली आई एम बाइंग इट टुमारो अगर ये इस लेवल के ऊपर जाता है पंद्रह मिनट की दो कैंडल क्लोज होगी आई विल बाय ओके नेक्स्ट स्टॉक इज रिलायंस रिलायंस पर मैंने आज ऑलरेडी एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करी हुई है मैं आपको दिखा देता हूं देखिए थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दिया जाता है या आप देख सकते हैं एक फॉल आया उसके बाद एक रेंज के अंदर ये ट्रेड करा रेंज का ब्रेकडाउन दिया रीटेस्ट करा एंड दोबारा नीचे आ रहा है ठीक so, uh, है सो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर दी है पुट ऑप्शन बाय करा है वन लॉट ही करा है कल अगर मुझे अच्छा सा कंफर्मेशन आ जाएगा तो आई विल बाय मोर और कंफर्मेशन कैसे आएगा आई विल टेल यू ये जो आप स्ट्रॉन्ग कलर की रेड कैंडल देख रहे हैं इसका ये मिड पॉइंट है ठीक है इसके नीचे जैसी ये जाएगा आई विल एड मोर क्वान्टिटीज ठीक है ये यस अभी मैंने रिस्क के साथ यहां पर एक लॉट बाय करा हुआ है वरना मैं नहीं बाय करता बट देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी अगर कल एक गैप अप आता है तो चांसेस आर हाई कि मार्केट वहां से नीचे गिर सकती है सो so कल बाइंग की कोई सलाह नहीं है शॉर्ट करने की भी कोई सलाह नहीं है यस अगर इसी लेवल पे खुल के नीचे आता है तो कोई ट्रेड नहीं करना गैप अप ओपन होकर अगर नीचे आता है तो यस यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट ठीक है, पेनेंट पैटर्न पेनेंट पैटर्न है उसका ब्रेक डाउन है नीचे ब्रेक करा रिटेस्ट कर दोबारा नीचे जा रहा है ओके सो यहां पर एक short position आप इनिशिएट कर सकते हैं टेक महिंद्रा इस पे भी मेरी ऑलरेडी पोजिशन है दो दिन हो चुके हैं लेट मी शो यू यस यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक टेक महिंद्रा जस्ट वेट अ सेकेंड यस yes. से देख सकते हैं ट्रेक महिंद्रा पे एक अच्छा खासा इस लेवल से एक ब्रेकआउट आया था एंड uh, इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया फिर नीचे आया सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस लिया एंड दोबारा नीचे आया अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा क्लोजिंग में ब्रेक नहीं करा एंड दोबारा एक शार्प रैली आई उसके बाद एक ब्रेकआउट दे दिया ठीक है ब्रेकआउट देने के बाद दो दिन सस्टेन करा तीन दिन सस्टेन करा यहाँ पर मैंने अपनी बाइंग बनाई थी एंड हम लोगों को आज अच्छा रिजल्ट इस पर मिल चुका है ठीक है सो ये अभी भी बाय के लिए है ये अच्छा प्रॉफिट दे सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप वॉच लिस्ट के अंदर रख के चल सकते हैं यहां से एक अच्छी रैली ये दे सकता है ठीक है इसके अलावा जो आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टॉक इज इन्फोसिस महिंद्रा बाय है तो बेसिकली आईटी सेक्टर पे मैंने सोचा कि और स्टॉक्स फाइंड करे जाए सिमिलर टाइप ऑफ था इस लेवल से एक ब्रेकआउट आया एक शार्प अपमूव आई उसके बाद ये हॉल्ट है देख रहे हैं इनसाइड कैंडल बना रही है ये जेसी से इन कैंडल का ब्रेकआउट आएगा बिकॉज इट्स अ फ्लैग एंड पोल पैटर्न अगर आप आर्ली चार्ट ओपन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है एंड उसका ब्रेकआउट अगर ये कल इस लेवल पे देता है तो डेफिनेटली एक अच्छी बाइंग आ सकती है ठीक है किस लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट ट्वेल्व के ऊपर एक अच्छी खासी बाइंग इसके अंदर भी आ सकती है सो so इस स्टॉक को भी वॉच लिस्ट में अपने ज़रूर ऐड करेगा अ लास्ट स्टॉक इज एम ये मेरे पास कैश में है ये मैंने आज ही बाय करा है या yeah. अब देख सकते हैं कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये देख सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है एंड एग्जैक्ट इसी लेवल पे मैंने बाय करा है तीन चार रुपए नीचे बाय करा है एंड इसके जो मेरे टारगेट्स ओपन हो रहे हैं ऑलमोस्ट uh, मैं आपको बता देता हूँ एटीन हंड्रेड या एटीन हंड्रेड प्लस के हो रहे हैं ठीक है सो so इस पर्टिकुलर स्टॉक पे भी आप लोग बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं ये विद इन अ वीक आप लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है या yeah. ये हमारा टारगेट होगा फर्स्ट जो कि 1807, 1805 का आ रहा है ठीक है सो ये पांच स्टॉक्स थे जिसपे आप ट्रेड्स लेकर चल सकते हैं एंड निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी ओपन कर देता हूं पंद्रह मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं यस yes, थोड़ा सा जूम करें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट था एक शार्प मूव उसके बाद एक कप बनाया एंड ये इसका हैंडल था इसका इसने एक ब्रेकआउट दिया था ये अपर वाली ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट कराएं दोबारा ऊपर गया तो या आई थॉट कि यहाँ पर एक बाइंग बननी चाहिए बट इफ़ यू अर्न सम मनी आपको ज़रूरी नहीं है आपको फिट ट्रेड लेनी हो ठीक है इंटरडे में बहुत ज़्यादा मौके मिले थे बाय करने के लिए बट आई डिट बाय बिकॉज आपका जो टारगेट है अगर वो आपका टारगेट अचीव हो जाता है टारगेट इन द सेंस ऑफ प्रॉफिट इन द सेंस ऑफ परसेंटेज वाइज सो आपको दोबारा मार्केट पर एंटर नहीं करना चाहिए ठीक है थेके? मैं लैपटॉप क्लोज़ कर देता हूँ उसके बाद मैं चेक नहीं करता बिकॉज मैं फ़ोन के थ्रू तो चार्ट्स नहीं रीड कर पाता और मैं उसके थ्रू ट्रेड भी नहीं करता सो so डेफिनेटली मैं लैपटॉप को क्लोज कर देता हूँ और आपका जो मनी आप दिन में अर्न करना चाहते हो अगर आपने अर्न कर लिया बिकॉज बहुत बार होता क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ अर्न कर लिया अब आप लोग क्या सोचते हो यार पचास हज़ार रुपये अर्न कर लिए यार एक ट्रेड और मिल रहा है एक ट्रेड और मिल रहा है मैं ले लेता हूँ पचास नहीं होगा चालीस हो जाएगा प्रॉफिट तो मेरे पास रहेगा वो गिरते, गिरते 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 पचास का पंद्रह रह जाता है पाँच रह जाता है और इवेंचुअली किसी ना किसी को तो वो लॉस भी दे जाता है तो ये गलती नहीं करनी है पचास रखें पच्चीस को अलग रख दो निकाल लो विड्रॉ कर लो पच्चीस के साथ इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ के आगे ट्रेड कंटिन्यू करो ठीक है अपना एक इस तरीके से स्केड बनाओ जिस तरीके से आपको फायदा मिले आपका आपका जो मनी आपने अर्न कर रहा है इतना सीखने के बाद वो आपका थोड़ा साइड भी हो जाए ओके सो so पर हम लोग एक बाइंग करके चल सकते हैं प्रॉबेबली कल एक गैप अप शायद मुझे देखने को लग रहा है कि मिल सकता है बट सेल कब इनिशिएट करना है मैं सेल तभी इनिशिएट करूंगा जब ये वाली लाइन ब्रेक होगी विच लेवल थर्टी वन थाउजेंड फोर्टी का लेवल थर्टीड टू फोर्टी ब्रेक होता है तो मैं अंदर तो के, के कोई मूवमेंट नहीं है निफ्टी भी, भी अप होता है तो बाय नहीं करना बिकॉज मैं अप के बारे में क्यों बात कर रहा हूं बैंक निफ्टी का अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूं जस्ट वेट अ सेकेंड यस अगर मैं आप लोगों को निफ्टी दिखाता हूं so, निफ्टी ने अभी तक इसका जो हाई है वो है सो so, बैंक निफ्टी ने अभी तक अपने एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको टेस्ट नहीं करा है ठीक है तो हो सकता है कल एक गैप अप के साथ थोड़ा ऊपर जाके को टेस्ट करे एंड उसके बाद एक फॉल आए ठीक है सो so, वो हम साइकोलॉजिकल लेवल तक पहुंचना चाह रहे हैं कि वहां पर हम लोग एक शॉर्ट इनिशिएट कर पाए आई अंडरस्टैंडिंग सो इस तरीके से हमें कल ना बाइंग करनी है कल ना हमें शॉर्ट करना है निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर हम डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं अगर वो लेवल आता है ओके या अगर दोनों गैप अप खुलते हैं तो पंद्रह मिनट की एक कैंडल क्लोज होने दो और पांच मिनट की एक कैंडल क्लोज होने दो उसके नीचे हम डेफिनेटली शॉर्ट पोजिशन भी इनिशिएट कर लेंगे ओके एंड गाइज एक गुड न्यूज और है आप लोगों के लिए बेसिकली दो गुड न्यूज है आप लोगों के लिए जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज करा था एंड वी आर स्टार्टिंग अ कम्युनिटी जिस पे मैं और जो एक दूसरा चैनल है वो एक साथ लाइव आएंगे आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे किस तरीके से मार्केट चल रही है एंड पूरा एक कम्युनिटी लेकर चलेंगे कि मतलब आप वहाँ पर भी जा सकते हैं उनके लोग हमारे यहाँ पर भी आ सकते हैं एंड इट्स अ बेसिकली आपको कोई भी प्रॉब्लम हो अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप उनसे बात कर सकते हैं ठीक है सो so जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कि जो हंसी मजाक वाले जो यूट्यूबर्स हैं उनकी बहुत अच्छी कम्युनिटी है वो लोग साथ में वीडियोस भी बनाते हैं सो so, हम भी ये स्टार्ट कर रहे हैं सो डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ कि मुझे एक यूट्यूबर मिल चुके है। उनके हैं उनके अराउंड थ्री थाउजेंड सब्सक्राइबर्स हैं बट वो भी मेरी तरीके से ही प्राइस एक्शन को समझते हैं और मैं उनके साथ बहुत जल्दी आने वाला हूँ जब हम लोग ये स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली और लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे बिकॉज मैंने देख लिया मेरे सिक्सटी थाउजेंड सब्सक्राइबर्स हैं उसके ऊपर मैं जिनको भी मेल लिख लूँ जितना भी कर लूँ दे विल नॉट ज्वाइन सो so, मैं क्या कर रहा हूँ आई डोंट नीड सब्सक्राइबर बेस आई नीड पीपल जिनको आता हो तो so, 60,000 मतलब मेरे सब्सक्राइबर से नीचे जितने भी हैं और जो अच्छे हैं डू लेट मी दो देयर नेम्स जो प्राइस एक्शन को अच्छे से समझते हैं जो चार्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं उनका नाम भी हमें ज़रूर बताइएगा जो आप लोगों को डेफिनेटली अच्छे लगते हो। और मैं उनसे ज़रूर बात करूंगा सिक्सटी थाउजेंड सब्सक्राइबर्स से नीचे बिकॉज आई नो सिक्सटी थाउजेंड के ऊपर वो लोग इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे एंड आई डोंट केयर अगर वो लोग इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे मैं आप लोगों के लिए भले के लिए कह रहा हूँ एंड आई डोंट थिंक कि ठीक है तो कोई बात नहीं एंड सेकेंड न्यूज इज़ की फिफ्थ ऑफ जनवरी से यानी कि ट्यूजडे से जब हनुमान जी का दिन होता है तो हम लोग अपना जनवरी वाला बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं एंड जो डेट थी कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद बहुत सारी क्वेरीज आई बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करा है अपना इंटरेस्ट शो करा है सो so उसकी वजह से हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है डेट को जो कि पेमेंट डेट थी और हम लोग उसे थर्ड ऑफ जैन तक ले आया सो येस थर्ड ऑफ जैन तक आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली एंड देयर इज अन इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी हम लोगों ने जनरेट कर दिया है so, सारी क्वेरीज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर आया आपको कोर्स से रिलेटेड मिल जाएंगी यू कैन व्हाट्सएप अस देर ठीक है जिनको मैंने वो काम सौंप रखा है वो डेफ़िनेटली आपको मैसेज करेंगे एंड सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व कर देंगे एंड गाइज मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था बहुत बार उनकी तरफ से ही नितिन नाम है उनका जो मेरा हैंडल कर रहे हैं वो कि वो लोग मुझे ना शिवांश समझ लेते हैं सो बा गाइज उस नंबर पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ वो नंबर मेरा है बट वो मैंने किसी और को दे रखा है ठीक है सो इफ़ यू वॉन्ट अ कॉन्टैक्ट मी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप उन्हें बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट टू टॉक टू शिवांश डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम देयर सो गाइज बाय बाय कल की ट्रेडिंग आप लोगों की बहुत अच्छी रहे एंड uh, मेरी भी अच्छी कि Reliance Tech Mahindra, Tech Mahindra, sorry, buy रहा कि मैंने रिलायंस और टेक महिंद्रा टेक महिंद्रा सॉरी बाय कर रखा है रिलायंस शॉर्ट कर रखा है एम सी एक्स बाय है सो आई होप कि बहुत अच्छा रहा है एंड आप लोग भी प्रॉफिट अर्न करें गुड बाय गाइज एंड वील मी इट्स वन